उपचुनाव से पहले एलजेपी सांसद चिराग पासवान को जोरदार झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने एलजेपी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है, साथ ही नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया। इस फैसले से चिराग को झटका लगा है, क्योंकि बिहार में होने वाले उपचुनाव में चिराग अपने कैंडिडेट्स को उतारना चाहते थे, लेकिन अब उनके सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। उपचुनाव के ठीक पहले चिराग को झटका। इलेक्शन कमीशन ने बंगला किया सील, पार्टी के नाम के इस्तेमाल पर भी लगी रोक। तो जिस बंगले को बड़े अरमानों से दिवंगत रामविलास पासवान ने बनाया, वो बंगला अब फ्रीज हो गया है। ये कहिए कि चिराग जिस बंगले को लेकर दावेदारी जता रहे हैं, उसे इलेक्शन कमीशन ने सील कर दिया है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि दोनों ही गुटों की जब तक बातें खत्म नहीं हो जाती है, जब तक दोनों ही गुटों की दलीलें पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाती है, तब तक पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम दोनों ही फ्रीज किया जाएगा। दोनों गुटों में से कोई भी ना तो पार्टी का नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही तो पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने चिराग को जोर का झटका धीरे से दिया है। बिहार में उपचुनाव होना है और चिराग कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है, लेकिन ठीक पहले सिंबल ही ले लिया गया। चले थे हमें बर्बाद करने, आज कुल मिला के क्या है, ना बंगला है ना चिराग में रोशन है, बर्बाद हो चुके हैं ये। सिंबल फ्रिज करा देने से और पार्टी का नाम का उपयोग नहीं करने से ऐसा नहीं है कि एनडीए को दोनों सीट जीत मिल जाएगी, एनडीए दोनों सीटों पर करारी हार होगी। इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई पर जेडीयू का तीर चिराग पर चलने लगा है, लेकिन लालटेन की लौ कुछ ज्यादा ही भड़क गई है और बीजेपी चिराग को छोड़ पशुपति पारस से नाता जोड़ चुकी है, इसलिए उसे परेशानी नहीं हो रही है। चूंकि वो एनडीए के पार्ट है और एनडीए के पार्ट के अंतर्गत चुनाव की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी निभाने का काम करेंगे, तो जो और निर्णय है उस निर्णय के आधार पर जो दृष्टिकोण होगा वो तो समय अवधि से होगा ही, पर एनडीए के पार्ट पारस जी हैं, सब प्रकार से हैं, उसका चुनाव का परिणाम जो है बहुत ही सकारात्मक रहेगा। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं लोक जनशक्ति पार्टी जो मूल पार्टी है के साथ कहीं न कहीं उनकी भावनाओं का अनदेखी किया। वैसे इलेक्शन कमीशन के फैसले से पारस गुट ज्यादा परेशान नहीं है, क्योंकि दोनों सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार होंगे और प्रचार पारस गुट के नेता भी करेंगे, इसलिए टेंशन की बात एनडीए के लिए नहीं है। लेकिन चिराग का क्या होगा? अब तो आप उनसे पूछिए जो यह कह रहे थे आपके चैनलों पर और मीडिया में कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान के बाय इलेक्शन में हम उम्मीदवार देंगे और लोजपा का सिंबल देंगे, तो पता चल जाएगा कि लोजपा असली लोजपा कौन है और किसका है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है अब किस नाम से कौन से गुट जो है वो राजनीतिक कार्यक्रम या फिर गतिविधियां जो हैं वो चलाएंगी, ये देखने की बात होगी और ये बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमृत महोत्सव के मौके पर बीजेपी